नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। कल तक जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ करता था, वो प्रोटेस्ट आज के डेट में एक एंटी माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लगभग एक महीना से ऊपर हो चुका है बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का, और जैसे ही ये सत्ता परिवर्तन होता है बांग्लादेश में, वैसे ही मोहम्मद यूनस का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पे इनसे ये उम्मीद किया जा रहा था कि ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था शेख हसीना के सरकार के सामने, उस मुद्दे को ये एड्रेस करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये एंटी माइनॉरिटीज स्टेप उठा रहे हैं, बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश उसी रास्ते पे निकल पड़ा है जिस रास्ते पे बरसों पहले पाकिस्तान निकला था। चाहे देश भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, किसी भी देश के डेवलपमेंट में वहां पे हर कम्युनिटी, हर एथनिक ग्रुप, हर रिलीजन के लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, और किसी भी तरीके से अगर कोई भी ग्रुप पिछड़ा रह जाता है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ग्रुप को या उस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में अब माइनॉरिटीज ग्रुप को अपने फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करने का हक नहीं मिल रहा, इससे बांग्लादेश तो कभी भी अपने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो बहुत दूर की बात है, उस रास्ते में भी कभी नहीं चल पाएगा। और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो इसलिए नहीं हो रहे थे कि जो माइनॉरिटीज है वो अपने फेस्टिवल को ना मना सके। और खास करके अगर हम बात करें मोहम्मद यूनस के बारे में, तो इनसे तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये जो माइनॉरिटीज है उनको ये उनके फेस्टिवल मनाने से रोकेंगे या किसी भी तरीके से फरमान जारी करेंगे। ये बात किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से रोकने का नहीं है, बल्कि यही बांग्लादेश किसी टाइम पे, या इनफैक्ट अगर आप कोविड-19 के पहले का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन सबसे पहले आता है कोविड-19 और उसके बाद आता है रशिया यूक्रेन का वॉर। ये दो इवेंट्स इतने बड़े इवेंट्स निकल के आए बांग्लादेश के लिए कि इनकी इकोनॉमी ही कम्प्लीटली कोलैप्स कर गई। और आज के डेट में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट में है बांग्लादेश में, वो एक प्रो पाकिस्तानी लीडर्स की तरह है, या तो आप कह ले कि वो उनके प्रॉक्सीज की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है हमारे लिए, वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस या इनफैक्ट चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में रहेगा, तब तो डेफिनेटली बांग्लादेश का कभी भी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, वो हर वक्त बांग्लादेश को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहे, वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट तरीके से गवर्न करें। बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पाकिस्तान के केस में, जहां पे ऑलमोस्ट जो सभी बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, वो कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लुएंस में लिए गए हैं। और आज के डेट में पाकिस्तान के पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस रहने के बावजूद भी पाकिस्तान सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है, और इनके देश में हार्डली कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता होगा, या जो छोटे मोटे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आते होंगे वो सऊदी अरेबिया ही थोड़े बहुत करते होंगे, वो भी बस नाम के लिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को होके लगभग आपके एक महीना से कुछ ऊपर हुआ है, और इसी एक महीने के आसपास में 205 ऐसे घटनाएं घटी है जहां पे एक डेलिबरेट तरीके से हिंदू कम्युनिटीज के ऊपर अटैक किया गया है। ना कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटीज के ऊपर अटैक किया गया है, बल्कि जो सिख है या बुद्धिस्ट है उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। तो यहां से भी आप समझिए कि किस तरीके से बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा रहा और वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को फैलाया जा रहा। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो, भारत में हो, बांग्लादेश में हो, ये अगर किसी भी तरीके से बढ़ता है तो ये उस देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे का घंटी होता है। और किसी भी सरकार को कभी भी रिलीजियस अफेयर में ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं बोलना चाहिए, ताकि वहां के जनता को ये ना लगे कि सरकार किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट अपना जारी किया है, जहां पे ये कहा जा रहा कि दुर्गा पूजा के फेस्टिवल के टाइम पे, और उसमें भी खास करके जो नमाज के आसपास का टाइम रहेगा, वहां पे आप म्यूजिक वगैरह को नहीं बजाएंगे। और बात यहां पे सिर्फ किसी एक रिलीजन के लोगों को उसके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से रोकने का नहीं है, बल्कि बीते इसी एक डेढ़ महीने के आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को मोहम्मद यूनिस की सरकार ने छोड़ा है जिनके ऊपर प्रॉपर एक टेररिज्म का चार्जेस था। इस बंदे का नाम है जसीमुद्दीन रहमानी, और ये 2013 से जेल में बंद था, और ये बाकायदा अलकायदा से अफिलिएटेड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, जिसका नाम है अंसरुल्ला बांग्ला टीम। तो अगर आपके देश में आप जानबूझकर अगर
किसी टेररिस्ट को या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को अगर आप छोड़ रहे हैं तो वो डेफिनेटली वही काम करेगा जिस काम के लिए वो जेल में था। और इसका कुछ वीडियोस वगैरह रिलीज हुआ जहां पे ये अपने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री को कहता है कि आप वेस्ट बंगाल को भारत से अलग कर लें। और ये बस यहीं पे नहीं रुकता है बल्कि ये और भी बहुत सारे इसके द्वारा स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो खास करके आपके एंटी माइनॉरिटीज के खिलाफ ही होते हैं। और साथ में ये बढ़ चढ़कर ये भी कहता है कि ये कश्मीर को भारत से अलग कर देगा और जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको भी ये तोड़ देगा। अगर आप बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करें तो बांग्लादेश के सामने आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो वहां की इकॉनमी है। तो अगर किसी भी तरीके से वहां के जो लीडर्स हैं वो उसके ऊपर बात ना करके अगर वो कश्मीर के ऊपर बात करते हैं या वो ये कहते हैं कि वो कुछ लश्कर को या कुछ लड़ाके को पाकिस्तान से मंगाएंगे, अफगानिस्तान से मंगाएंगे, तो आप समझिए कि उस देश का क्या होने वाला है। जिस तरीके से आज के डेट में पाकिस्तान सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है, कुछ मोर और लेस वैसा ही हाल आज के डेट में बांग्लादेश का भी है, जहां पे एजुकेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके। और जहां तक बात किया जाए अफगानिस्तान से या चाइना से सपोर्ट लेने का, तो यहां पे कहने की जरूरत नहीं है दोबारा से कि अगर किसी भी तरीके से चाइना आपको सपोर्ट करेगा तो चाइना कम से कम उसका 5 times आपसे वसूलेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।